अच्छा मम्मी अभी फिलहाल वैक्सीन लेके बहुत बीमार है। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड इवनिंग, मतलब जिस भी टाइम ये व्लॉग अपलोड हो जाए। आज सुबह से मम्मी को बुखार आ चुका है जो कि वैक्सीन का एक इफेक्ट है। बहुत लोगों में ये कॉमन सा बिलीव है कि ये वैक्सीन का साइड इफेक्ट है, लेकिन ये दिस इज वेरी रॉन्ग। ये वैक्सीन का इफेक्ट है, विच इज अ गुड साइन कि योर बॉडी इज बिल्डिंग द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द वायरस। फिलहाल मैं जा रहा हूँ ORS खरीदने मम्मी के लिए, क्योंकि उनको बुखार है सुबह से, तो उनको खाने का कुछ मन नहीं कर रहा इतना ज्यादा। मैंने सोचा कि नहीं, ORS अगर पिला देते तो फिर उनको न्यूट्रिशन जो चाहिए वो मिलता रहेगा। तो अभी फिलहाल मैं आया हूँ अभी के घर में ORS लेने, क्योंकि इसका मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन का व्यापार है, तो फिर इससे मुझे कम में मिल जाता है। ये जो इधर में है, चेहरा देखा, दिस इज स्वर्णवा। इसके बारे में बाद में मैं इंट्रोडक्शन दूंगा, ये जाने के बाद मैं इंट्रोडक्शन दूंगा उसके बारे से। सारे इंट्रोडक्शन मैं बाद में देता हूँ, ठीक है। एक बार जी So let me just give you a short introduction of who she was. She is Swarnabha Bhattacharjee and she is my sister. And ये पूरी पागल है। मुझे पता है जब ये वीडियो देखेगी तब मुझे बहुत सारी गाली पड़नी वाली है। But fact is fact, Swarnabha, you can't deny it. तो मैं घर में आ चुका था, लेकिन then I remember कि मुझे आज शेव करने भी जाना है, क्योंकि हालत अभी पूरा जंगलियों की तरह हो चुकी है, क्योंकि लॉकडाउन लगने का फुल चांसेस है। तो फिर नेक्स्ट टू वीक अगर लॉकडाउन लग भी जाता है तो मैं शेव वेव नहीं कर पाऊंगा, वरना बाद में मुझे वापस से क्लीन शेव करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास ट्रिमर उमर नहीं है। मुझे ट्रिम करना आता भी नहीं इतना ज़्यादा, मेरे हाथ से हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है, एक साइड बड़ा रह जाता है, एक साइड छोटा रह जाता है। तो शादी अभी हो रहा है इसका मतलब। जैसे कि मैंने बताया कि मम्मी को आज आ चुका है बुखार, तो मुझे भी सारा काम करना पड़ेगा। तो फिलहाल बनाने वाले हैं चावल, जो मैंने बसरी है कैसे से बनाया है, तो मुझे थोड़ा सा टेंशन है, देख लेते। देखो तो शेफुल बनाएंगे चावल। और चावल के साथ उबले हुए अंडे। I never did this। वो क्या होता था ना कि अंडे को देख सकते हो कि वो खराब ही अच्छा है, शायद खराब वाला अंडा ऊपर आ जाता है ना, सारे तो अंदर ही है, या तो सारे खराब है या फिर सारे अच्छे। तो अब मैं फाइनली रिवील करता हूँ शेफ अनिरुद्ध दास का चावल, मेरा बनाया हुआ चावल। और साथ में स्पेशल डिश अनिरुद्ध के उबले हुए अंडे, मतलब मेरे उबले हुए अंडे नहीं, मतलब उबले हुए अंडे इन जनरल। कल उसके बाद मैं और व्लॉग नहीं कर पाया क्योंकि मम्मी को बुखार था एंड सारा काम मुझे करना पड़ रहा था। एंड इवन नाउ मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ क्योंकि एक क्लाइंट आने वाला है 11:30 एंड अभी ऑलरेडी 11 बजने में 5-10 मिनट बाकी है। बहुत ज़्यादा लेट हूँ, मुझे थोड़ा सा ग्रोसरीज लाना है, ग्रोसरी ला के मुझे घर में जाके नहा के पूजा दे के स्टूडियो सेटअप करके बैठना है, वो भी सिर्फ 40 मिनट के अंदर, तो फिर बहुत ज़्यादा लेट हूँ। तो फाइनली मैं नहा धोके हो चुका हूँ रेडी, बहुत ज़्यादा लेट होने वाला था लेकिन फिर भी अब मैनेज कि 10 मिनट सिर्फ उल्टा पुल्टा हुआ। एंड ऊपर में क्लाइंट आ चुकी है जो कि आप लोग पहचानते हो शायद। क्या गाने वाली हो? किसके लिए? किसके लिए है? रिपीट रिपीट खुद के लिए करने दो। ये यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं ना, ये लोग एक से बढ़कर एक नमूना है। पहले आप लोगों ने लव को देखा था, ये किसी ना किसी के लिए लगा रहता है, ये भी है इसी के लिए लगी रहती है, जो कि हम लोग यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं करेंगे अभी, लेकिन है उसको भी आप पहचानते हो। बाय 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 बाय, जाओ 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 जाओ। सो फाइनली रिकॉर्ड स्टार्ट होने वाला है। एकदम शोर है बच्चा बच्चा।
उसका प्लस पॉइंट ये है कि वो पूरा प्रैक्टिस करके आती है। एज यू कैन सी यहाँ पर टेक्स एकदम भी नहीं है, वन टेक आर्टिस्ट की तरह है। तो रिकॉर्डिंग इज डन एंड बस इसका प्रोसेसिंग करके 2-3 दिन के अंदर रिलीज हो जाएगा। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा जब हो जाएगा। देखो बे क्या लोगों को पता नहीं क्या चलता है सड़क के बीच में लगा रहते हैं। क्विक अपडेट की अब तक क्या क्या एक्चुअली में हुआ है। तो कल आधा व्लॉग खत्म करने के बाद दोपहर को मैं सो गया क्योंकि मैं 2 दिन से बहुत ही कम सोया हुआ था। इंसिडेंट का तो पोछा लगा हुआ है। 2 दिन पहले वाले रात में क्या हुआ था कि मेरे गले के कुत्तों का कुछ पार्टी वार्टी लगा हुआ होगा पूरी रात वो लोग चिल्लाए, मैं सो नहीं पाया। देन अगली रात को मम्मी को बुखार आ गया अगेन, सिर्फ 3 घंटा सो पाया था। उसके पहले वाले रात को भी सिर्फ 3 घंटा सो पाया था। तो कल जाके मैं दोपहर को फाइनली सोया, आई फेल्ट फ्रेश। लेकिन वो फ्रेशनेस ज़्यादा देर तक रही नहीं क्योंकि कल रात जब मैं सोया तो सोने के बाद सुबह सुबह मुझे वापस उठ जाना पड़ा क्योंकि पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। हम लोगों की जो मेड है वो उसको अचानक से ख्याल है कि चलो आज हम लोगों के टीन के ऊपर उठ के कपड़े को सुखाया जाए। तो टीन के ऊपर उठ गई एंड उठने के साथ साथ धूप ढप इतना शोर हुआ कि मेरी नींद वापस से खुल गई। आज मम्मी की तबीयत थोड़ी सी बेटर है। कुछ लोगों से मैंने बात भी की कि सबको क्या ऐसा बुखार आ रहा है, तो सबको नहीं आ रहा है लेकिन मैक्सिमम ऑफ देम सेड कि हाँ हम लोगों को बुखार आ रहा है। आज तो हालत थोड़ा सा ठीक है लेकिन आज जॉइंट्स में थोड़ा सा दर्द है। वो इंसान खुद से बात कर रहे हैं और कुछ अजीब अजीब, वो आगे में जो टोटो में जो इंसान है वो खुद से बात कर रहे हैं, कुछ कुछ बोले जा रहे हैं। এটা এফেক্ট নিতে তো অনেক দিন, তার মানে তোমার 8 তারিখ পড়বে জুনের। আমার বহুত শরীর খারাপ। अब बोलो हम फिर से आए सुंदर फिर इसीलिए हम दिखा रहे हैं कि ये बापा ये सब जगह में घुसा, ये घर में भी घुसा। अभी मुझे बताओ तुमने 2 दिन मेरा वीडियो लिया डाला क्यों नहीं? अरे सारा एडिट हो रहा है अभी तो, वो तो जो अभी जो लाइव जो देखा है तुम वो 2 दिन पहले का है। चाय वाला आ गया। पता है लव तुमको ब्लॉग में कितने देर बाद लोगों ने देखा है, शक्ल दिखाओ एक बार शक्ल दिखाओ। अच्छा मम्मी अभी फिलहाल वैक्सीन लेके बहुत बीमार है। তোমার হিন্দি জানো কি ডিমান্ড, তুমি হিন্দি কত ডিমান্ড তুমি জানো? আমার নিচের মধ্যে কমেন্ট করে লিটারেলি, নিচের মধ্যে লোক কমেন্ট করতে হ্যাঁ মম্মি কো ব্লগ মে জাদা লাও। হ্যাঁ कार्टून। अच्छा वो यंग जनरेशन कैसा होता है? कैसा ऐसा कमेंट करता है? क्या बोला है तुमने? मैंने तो सुना ही नहीं। तो फाइनली वो लोग जा चुके एंड मैं अभी वापस लग गया स्टूडियो के काम में। लेट मी जस्ट शो यू वंस। तो बस मैं अभी ये गाना खत्म करूंगा एंड खत्म करके नीचे चला जाऊंगा। तो आज का ब्लॉग यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया तो फिर लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना अपने दोस्तों के बीच में और सब्सक्राइब करना हमारे इस वाले चैनल को और हमारे मेन चैनल को भी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।